दिल्ली के एक परिवार की कहानी कल से ही आप देख रहे होंगे। इस परिवार के मुखिया पर घूस लेने का आरोप है और बदनामी से परेशान होकर परिवार के दो सदस्यों ने सुसाइड कर लिया। आज दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी और बेटी का शव देखते ही बीके बंसल रोने लगे। घूस लेते हुए गिरफ्तार कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग के डीजी बीके बंसल ने कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। टॉर्चर करेंगे मेरे को, बहुत मारेंगे, मैं नहीं कहूंगा, बहुत टॉर्चर करेंगे मेरे बेटे के साथ, उसको मार देंगे जिंदा जी, मैं नहीं दूंगा स्टेटमेंट। बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं, मुझे एक फोन भी नहीं करने दिया, बहुत जालिम लोग हैं। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हो गया हो गया, मुझे और मारेंगे, मेरे बेटे को मारेंगे, मैं क्या बोलूं। पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जमानत पर जेल से छूटे बीके बंसल का रो रोकर बुरा हाल है। बंसल कॉरपोरेट अफेयर विभाग के डीजी हैं। 16 जुलाई को सीबीआई ने बंसल को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। रिश्वत का यह बदनुमा दाग बंसल के परिवार से बर्दाश्त नहीं हुआ। मंगलवार को बीके बंसल की पत्नी और 27 साल की बेटी ने मधु विहार में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि ये दोनों घर पर हुई सीबीआई की रेड और बंसल की गिरफ्तारी को लेकर सदमे में थी। बंसल अब भी कह रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। वो सुना सर गलता, मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया सर आपको, किसने फंसाया? मेरे कंपनी वालों का काम नहीं करा था। कंपनी वालों ने फंसवाया सर? हाँ, मैंने सारे वायलेशन ऑर्डर कर दिए थे। रिश्वत लेने की इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? एक आदमी घूस लेता है और पूरा परिवार खत्म हो जाता है। योगेश उनका बेटा, उनकी माँ की मौत हुई है, उनकी बहन की मौत हुई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। योगेश अभी तक नहीं है, क्या वजह हो सकती है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप सर बताइए कि आप परिवार के सदस्य हैं, क्या वजह आपको लगता है इस आत्महत्या करने के पीछे? मुझे तो जैसे टीवी से मालूम पड़ा है, इसकी जो डेथ का जो है वो लड़की, तो मेरे बल्कि तो छोटा भाई लग रहा था, तो जैसे वो टीवी में बोल रहे थे कि टॉर्चर किया उन्हें सीबीआई वालों ने, वो एक लेडीज जो है वो थी विजिल जो सीबीआई की, उसने टॉर्चर ज़्यादा किया है, जिससे इन्हें मजबूर हो गए ये करना, कदम उठाना पड़ा। बीके बंसल पर आरोप है कि बंसल ने मुंबई की एक दवा कंपनी से 20 लाख रुपए की घूस ली। आरोप है 20 लाख रुपए में से 11 लाख रुपए बंसल पहले ही ले चुके थे। बंसल मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई को आरोपियों की गिरफ्तारी पर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये हत्या जैसे परंपरागत अपराध नहीं है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।